नमस्कार, मैं हूं भंवर भीम सिंह शेखावत और आज हम अजीतगढ़ के अंदर खड़े हैं। अजीतगढ़ मैं आपको बता देता हूं कि श्री माधोपुर के अंदर आता है, सीकर डिस्ट्रिक्ट का श्री माधोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे अजीतगढ़ पड़ता है। और अजीतगढ़ एक बड़ा कस्बा है और यहां पे तीन कंटेस्टेंट मुख्य तौर पर हैं जिनके प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर त्रिकोणीय एक तरीके से कहा जा सकता है। कांग्रेस आई से दीपेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी से जाबर सिंह खर्रा और निर्दलीय बलराम यादव। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि रुझान किसकी तरफ है, लोग किसकी तरफ हैं, किसको जिताने वाले हैं और क्या क्या मूल समस्याएं हैं यहाँ पे। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? अनिल सोमानी। सोमानी जी, क्या समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो सब आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, तो किसको जिता रहे आपकी बार आप? देखो, वो तो जनता चाहेगी वही जीतेगा, मेरे जिताने से कोई थोड़ी जीत जाए। फिर भी आपका, आपको क्या लग रहा है माहौल? तो हम तो राष्ट्रवादी सोच के आदमी है, अब राष्ट्रवादी सोच के साथ कौन है वो आप देख लो और उस हिसाब से वोटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ साहब, राम राम। राम राम जी, काय पकौड़ी बेच रहे जोगे? पकौड़ी बेचा साहब। तो आपकी बात पकौड़ी कौन की बिकवा रहे थे? अब देखो कौन कह दे, आप कौन कह दे, देखो कौन ना जीता लो आपकी बार। अब जीत बांधो जी का किस्मत में ताज लिखो, जो जीते लो कौन पर ताज आओ लो आपकी बार। अब देखो, ताज तो मैं कहीं गुणित थोड़ी बता। दीपेंद्र सिंह जी ने जीता ओला, खरा जी ने जीता ओला, या बलराम जी ने जीता ओला, या और कोई ने जीता ओला? वोट तो मोदी को है, वोट मोदी को, वोट तो मोदी को ही है। अच्छा, अब जीता कौन सो जो मैं कहीं कह दिया। क्या नाम है साहब आपका? सीताराम शिपुरिया है नाम है मेरा। तो सीताराम जी, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी की वजह से है, काम भी हो रहा है, भाजपा के राज में पूरा जो है सहयोग मिल रहा है लोगों को और वाकायदा जो है यहाँ पे पूर्ण बहुमत से जीतेगी भाजपा। क्या क्या काम हुए यहाँ पे? सब काम हुए हैं यहाँ पे, जैसे गौशाला में अभी टीन शेड लगा है, मेन गौशाला का काम हुआ है, और भी कई काम हुए हैं, रोड बने हैं, काफ़ी काम हुए हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सड़कें बनी हैं, गाँवों में सड़कें बनी हैं। तो दीपेंद्र सिंह जी ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे पांच सालों के? सिंह जी का कोई वो ही नहीं था, क्योंकि दीपेंद्र सिंह जी की तो जो है वो उस पे राजेश सचिन पायलट की तरफ हो रहे थे, इसलिए गहलोत जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ना गहलोत जी ने ध्यान दिया ना दीपेंद्र जी ने, दीपेंद्र सिंह जी का देने का सवाल ही नहीं था, जब गहलोत जी की तरफ से उनको सहायता नहीं मिल रही थी तो दीपेंद्र सिंह जी क्या करते। अच्छा, खर्रा जी रहे उससे पहले? हाँ, खर्रा जी रहे और खर्रा जी पांच साल से लगातार लगे हुए हैं विकास में और में सब कामों में लगे हुए हैं। तो श्री माधोपुर की ऐसी सीट है, कभी खर्रा जी कभी दीपेंद्र सिंह जी, वो तो हर बार रोटी पलटती रहती है, कभी ये रोटी कभी तवे पे कभी वो रोटी। अब क्या है, मशीन दोनों तरफ से सिकाई की मशीन आ गई, पहले एक तरफ सिकाई की मशीन थी, इसलिए एक तरफ जो है एक बार बीजेपी आती थी एक बार कांग्रेस आती थी, लेकिन अब जो है जब तक मोदी जी हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी ही शासन राज करेगी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है यहाँ। पिछली बार भी केंद्र के अंदर मोदी जी थे लेकिन फिर भी यहाँ पे कांग्रेस जीती? नहीं, वो इसलिए जीत गई ना, यहाँ क्या है कि लोगों में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो गए, इसलिए जो है एक जाट राजनीति भी आ गई, कुछ और राजनीति आ गई, ऐसे भी जातिगत राजनीति भी हो जाती है कई बार। राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पे हावी रहेंगे या स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे यहाँ पे हावी, स्थानीय कोई समस्या नहीं है यहाँ। स्थानीय समस्या तो माननीय दीपेंद्र जी ने सारी निपटा दी, दीपेंद्र जी ने निपटा दियो। आपसे मैं पूछूंगा, जब आपसे पूछ रहा था जब आप बोलने को तैयार नहीं थे, तब मैं पूछ रहा हूँ, तो आपसे आपके ऊपर आपके पास भी आऊंगा मैं, तो क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे तो जैसे व्यापार है और है, व्यापार की सड़कें हैं, पानी का मेन समस्या पानी की है, लाइट की है, पानी नहीं आता यहाँ पे। अजीतगढ़ में ऐसा हाल है कि पहले 24 घंटे नल आता था। अजीतगढ़ की क्या बात करें, अपन बात करते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में पानी की मूल समस्या, मेन पानी की समस्या है, तो क्या जिसको जाबर सिंह जी ने मेन मुद्दा उठाया है, मैं पानी की समस्या को यदि पांच साल गवर्नमेंट रही तो पूरी समस्या को खत्म कर दूंगा मैं। पहले भी तो रहे ये समस्या, लंबी चली रहे, लेकिन तो उस टाइम पे इतनी समस्या नहीं थी जितनी समस्या बनी है इन पांच सालों में। आज भी गाँव का मन जावा जापा तो लोग बाग या तो टैंकर डलावे से या कैंपर के थ्रू पानी पीवे से, पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या है। तो बीको काय हल निकाले दो, आज के पांच साल पहले इतनी समस्या नहीं थी जितनी समस्या अब हो रही है पानी की। तो पांच साल में शोक आई होगी, पांच साल में पानी का जो है स्तर नीचे जा रहा है हमेशा, एक बिलांद करीब 9 इंच जो है वो हमेशा डेली जा रही है, दूसरी फैक्ट्री एरिया सी लगी हुई है हमारे यहाँ पे,
एक रिको के अंदर शराब फैक्ट्री लग गई, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको अनुमति प्रदान करी उस टाइम पे, और वो शराब फैक्ट्री लोगों को खा रही है, पानी की दिन प्रतिदिन नीचे स्तर जा रहा है पानी का। तो स्थानीय रूप से आपने इस मुद्दे को उठाया? स्थानीय मुद्दे से बहुत उठाया, लेकिन जब एनओसी दे दी गवर्नमेंट ने तो स्थानीय मुद्दा क्या करता, पैसे खा करके गवर्नमेंट ने अनुमति को ज्ञापन नहीं दिया। इस सिलसिले में ज्ञापन बहुत दिया, धरने दिए बस स्टैंड पे, 3 महीने धरने लगे, अनशन करे, अभी भी बीच में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 2 बार किया गया, लेकिन उसमें भी पैसे खा गए लोग। एक तीसरे कंटेस्टेंट और हैं, बलराम यादव, निर्दलीय, वो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उनको टिकट नहीं मिली और इस बार ताल ठोकी उन्होंने निर्दलीय के रूप में, क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है, अभी जो है 2 पार्टियों का वजूद है, कांग्रेस का और बीजेपी का। निर्दलीय लोग आते हैं लेकिन वो क्या है, फिर बाद में जाके उसी पार्टी में मिल जाते हैं, तो उन लोगों का कोई वजूद नहीं है। ये जातिगत राजनीति पे लड़ना चाहते हैं, तो जातिगत राजनीति पे हर आदमी वोट देना नहीं चाहता कि सिर्फ यादव जाति पे वोट, यादव जाति के कितने गए यहाँ पे वोट श्री माधोपुर तहसील में, इसलिए जो है सिर्फ यादव जाति से वोट लेकर के वो जीत नहीं सकते। काय नाम था को? ओम प्रकाश नाम जमा को। तो दीपेंद्र जी पे क्यों नाराज हो रहे जाता? नाराज घट था फिर नाराज को ना आखरा बोल रहे थे दीपेंद्र जी पे। तो आप आपका वोट की समस्या थे सर, 5,165 से वोट दिया था बीजेपी ने, वोट दिया जी, मैं जनसंघ ने दे लिया, सूत्र ने दे लिया, रामराज ने दे लिया, अरे बीजेपी ने दे रहा था। तो लोग तो आया कह रहे थे थंगा ठाका शेखावत साहब छा जल मंत्री, फिर भी थंगा ठपाणी को नहीं, क्यों? जल मंत्री करेगा कड़े चीज आप में कड़े चा आ तो छोड़ो बात नहर आबा की बात जो आ लाई को नहर। अच्छा, अब कंदारबा ने राहुली कंदारबा ने बोला थे गंगा, हां पानी आ रही है, हां काय नाम से था को? अरे घबराओ मत, अरे घबराओ मत, काय नाम से था को? नाम बोलो, नाम बोलो, काय से था को? मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रही है, हां बुखार जी, और चाहे कोई जाओ, मैं तो वोट बीजेपी का था जन्मदाता, हां और चाहे जी। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, तो इब्राहिम जी आपकी बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? लग रहा है क्या क्या बताए, चुनाव के बारे में क्या बताए, तो विकास तो हो नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है बताओ, क्या विकास चाहते हैं? विकास होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए, लोग कह रहे हैं सब रोड़े बन गए यहाँ पे शानदार, बेरोजगारी चल रही है, पार्टी है कोई भी पार्टी कोई काम ही नहीं करना चाहती। हाँ नमस्कार साहब, आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजीव योगी। योगी जी क्या लग रहा है आपको? दीपेंद्र सिंह जी जीतेंगे, विकास पुरुष हैं, विकास करवाया है उन्होंने, श्री माधोपुर में बहुत विकास किया, कौन कहते विकास नहीं करवाया, क्या क्या विकास काम करवाया, यहाँ कॉलेज बना दी, सारा विकास, बहुत कुछ विकास करवाया जीतगढ़ में, तो कॉलेज दे दी, स्कूल दे दी, तहसील दे दी, उप तहसील दे दी, पानी उनके घर में है क्या? पानी कहाँ है रास्ता हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आ रहा है बताओ, कहाँ से ला के देंगे वो? बाकी विकास बहुत करवाया है, विकास प्रोसेस श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई विकास प्रोसेस है तो दीपेंद्र सिंह का 90% काम। लोगों का ये आरोप है कि इस साल वो गुटबाजी के अंदर, जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही थी, सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत, उस गुटबाजी के अंदर ही उलझे रहे, तो विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मैं बहुत विकास करवाया साहब, कैसे नहीं दिया ध्यान, गुटबाजी में कहीं उलझे हो, उन्होंने विकास कराया, टाइम टू टाइम आए हैं यहाँ, आज भी लगे हुए हैं, नीम और भाटे चल काम चालू है, आप जाके देखो इंडस्ट्रीज एरिया में कितना विकास करवाया उन्होंने। पानी की एक मूल समस्या है इस इलाके के अंदर, पानी की समस्या तो पूरे राजस्थान में है, यही थोड़ी है, कहाँ कहाँ नहीं है ये बताओ, पानी अपने घर से पाइपलाइन थोड़ी जोड़ेंगे वो, पानी की समस्या हर जगह है, ऐसा नहीं है पानी की समस्या कहीं नहीं है, लेकिन होश चिकित्सा को लेके कोई काम नहीं हुआ विशेष, चिकित्सा के लिए तो कांग्रेस में नहीं तो बीजेपी में भी नहीं हुआ साहब, उन्होंने तो 108 बेड 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया था। 5 काम गिनाओ, रोडों को छोड़ दो आप, मूल जो चीजें हैं उनको छोड़ दो आप, और विकास के क्या काम कराए उन्होंने? विकास के क्या काम, अजीतगढ़ को तहसील बना दी, उप तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी, महिला महाविद्यालय दे दिया, एडिशनल और DSP ऑफिस दे दिया, क्या नहीं दिया अजीतगढ़ को, काम कैसे नहीं करवाया, काम बहुत करवाए हैं, तो फिर थे क्यों नाराज हो रहे जो वोट बीच में, आज भी बीजेपी का था, आज भी बीजेपी का था मैं, तो फिर बीजेपी अत्ता बड़ावर कांग्रेस ने वोट कौन दिया, अत्ता बड़ावर कांग्रेस ने वोट ये कौन दिया, 70% का होगा, मैं कौन दिया वोट, दीपेंद्र सिंह शेखावत, विकास सिर्फ उन्होंने करवाया, किसी ने नहीं करवाया आज तक।
विकास तो वोट कौन दिया तो बाकी मर्जी से बात हो तो वो मर्जी की बात से बात हो बे अत्ता बटावरी कौन दिया कांग्रेस ने वोट विकास भी करवाओ जो फिर भी वोट विकास करवाया जो खूब करवाए जे ने कहा कहे विकास कौन करवायो पण वोट कौन दिया वोट बीजेपी ने डाला कारण भी तो ना बीजेपी ने अजी कारण में उस जन्मजात बीजेपी का तो कारण काय होलो मोदी जी मारे नफरत से कांग्रेस ने वोट दे बासु तो नफरत क्यों से कांग्रेस मतलब नफरत से मां के मन की बात है तो मन में बात है जो बीजेपी ने वोट डाका विकास की बात करो तो खूब विकास कराए थे जहाँ तक पानी का सवाल है कुंभाराम लिफ्ट योजना का जो मुद्दा है वो पूरे श्री माधवपुर क्षेत्र में नहीं पूरे मतलब सीकर जिले में बात करें तो वो जाबर सिंह खरा नहीं उठाया था विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जहाँ तक पानी का जो समस्या का सवाल है उसमें जो कुंभाराम लिफ्ट योजना है उसको श्री माधवपुर क्षेत्र में ही नहीं सीकर जिले में सुबेदानंद जी सरस्वती के साथ में वो करके और जो है वो जाबर सिंह जी खरा नहीं उसको उठाया है और वो कुंभाराम लिफ्ट योजना जब तक लागू नहीं होगी तब तक पानी की कोई समस्या हल नहीं होगी और ये पानी की समस्या वो जाबर सिंह खरा ही तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी काफी स्थितियां गंभीर रही यहाँ पे कुछ गोलीबारी चली कुछ लड़कियों एक आधी लड़की कांग्रेस राज का ही मुद्दा है ये स्थानीय मुद्दे भी हैं तो कांग्रेस राज में भी ऐसा होता है जबकि बीजेपी राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है 5 साल पहले भी बीजेपी राज रहा है उसमें ऐसी कोई गोलीबारी की समस्या नहीं है तो खर्रा जी के ऐसे कोई 5 काम बताओ आप हमें जिन्होंने उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में कराए जो यादगार रहे लोगों के बीच पिछले कार्यकाल में जैसे एक कार्यकाल तो मैंने बताया उन्होंने गौशाला पे बहुत ध्यान दिया जो भी गौशालाओं की योजना है उन पे खर्रा जी ने ध्यान दिया और अजीतगढ़ में भी 2-3 शेड उन्होंने लगवाए मऊ मुंडरू में भी 3 शेड लगवाए और जो है उन्होंने अजीतगढ़ से जो है वो जगदीशपुरी की जो सड़क है सीमेंटेड वो सड़क उन्होंने बनवाई लोकल सड़क और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने सॉल्यूशन करवाया तो बलराम जी का नहीं लगता आपको इस वक्त कांग्रेस ही 1 घंटा वोट का छोड़ो को ना बताओ बात आई भैया तो एक बात बताऊं कि आप कुछ 40 साल से इनको ही देख रहे हैं दोनों को जैसे एक बार मेरे तो दिमाग में एक बार नया आदमी भी आना चाहिए मार्केट में अच्छा हम भी ऐसे सोच रहे हैं बलराम जी अच्छे आदमी एक बार आने भी चाहिए देखो कांग्रेसी वोट गया हम तो कांग्रेसी हैं बाकी है ना ये सामने लोग आने नहीं चाहता है ना वो तो मन की मर्जी की बात है कांग्रेसी कांग्रेसी है क्या नाम है आपका मेरा नाम है नील कमल क्या करते हो आप मेरे दवाइयों की दुकान है क्या लग रहा है आपको इस वक्त यहाँ श्री माधोपुर के अंदर श्री माधोपुर में भी थोड़ी स्थिति बदल रही है धीरे धीरे कैसे बदल रही है निर्दलीय उम्मीदवार जो है ना बलराम यादव हाँ। उसकी वजह से उसने समीकरण बिगाड़ा है कांग्रेस का बिगाड़ा है बीजेपी का बिगाड़ा अभी दोनों का ही बिगाड़ है कैसे वोट जातिगत है ना वोट वो डाइवर्ट हो रहा है पहली बात तो जातिगत दूसरी नाराजगी लोगों की किससे नाराजगी दोनों से ही है एक से हो तो ठीक है बाकी दोनों से नाराजगी इसलिए आपको लगता है बलराम जी सीट निकाल सकते हैं नहीं निकाल नहीं सकते तो फिर एक जाति के आधार पर आप वोट सीट नहीं निकाल सकते ये भी है तो बदलाव भी चाहते हैं बदलाव होगा नहीं तो आप एक जाति के सारे आप खड़े हो जाओ चुनाव मेयर बोले मैं जीत जाऊँ तो ये पॉसिबल थोड़ी होता है तो ये तो वही हुई कभी रोटी का ये इस साल का भी वो ये श्री माधोपुर की और अजीतगढ़ की यही स्थिति है सरपंचों के चुनाव में भी यही हालत थी और श्री माधोपुर विधानसभा चुनाव में भी यही हालत 40 साल हो गए यही चल रहा काय नाम था अरे काय नाम था पुरन काय काम करो तो पुरन जी व्यापार अच्छा काम को व्यापार जी कपड़ा को उनको माहौल थे पर बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह जी काम बढ़िया कराए मैं काम कराए हैं लेकिन दीपेंद्र जी को ना रहे दीपेंद्र जी को नहीं काम कराए बाद भी को नहीं क्यों ये नाराजगी से भी तो दोनों भी विधायक से भी नाराजगी जाएगी सबकी खर्रा जी से भी और दीपेंद्र जी से भी और तीसरा ने एक जाति का आधार पर कोई देखो नहीं मतलब आई है कदे एर कदे बे आई चार बजे कांग्रेसी में खराब माहौल वही है तो ये थे लोग बाग जिन्होंने हमें बताया कि क्या माहौल है जीतगढ़ के अंदर अपनी तहसील को श्री माधोपुर को लेके स्पष्ट रुझान किसी की तरफ भी नहीं है कि दीपेंद्र सिंह जी सीट निकालेंगे या निर्दलीय उम्मीदवार
बलराम जी निकालेंगे या फिर बीजेपी से खर्रा जी निकालेंगे। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ भंवर भीम सिंह।